अलैकुम ग्रेड 5 वेलकम टू दार एरकम स्कूल अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कैंपस बदोमली। टुडे इज़ 23 जुलाई 2020। सब्जेक्ट इंग्लिश, ग्रेड 5, लेक्चर नंबर 8। सी टुडे डायरी, सिंपल प्रेजेंट टेंस, कंसेप्ट क्लियरेंस फ्रॉम वर्कबुक पेजेस 43 to 44। स्टूडेंट्स, यू हैव ऑलरेडी रीड अबाउट सिंपल प्रेजेंट टेंस, लेकिन इस लेक्चर में मैं आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करूँगी। एक्चुअली सी द डेफिनेशन, सिंपल प्रेजेंट शोज आवर रूटीन और एक्शंस वी डू इन प्रेजेंट। यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या करते हैं, हमारी रूटीन और हमारे कामों को बताते हैं जो कि हम मौजूदा ज़माने में करते हैं। एक्चुअली इन सिंपल प्रेजेंट टेंस वी यूज़ फॉर्म ऑफ वर्ब्स बेस फॉर्म। बेस फॉर्म हम कहते हैं फर्स्ट फॉर्म को, और हेल्पिंग वर्ब्स हम यूज़ करते हैं डू और डज। डू हम यूज़ करते हैं प्लूरल सेंटेंसेस के लिए, और डज हम यूज़ करते हैं सिंगुलर सेंटेंसेस के लिए। और इसकी फॉर्मेशन होती है, सबसे पहले सब्जेक्ट हम लगाते हैं, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इन फॉर्म इन केस ऑफ सिंगुलर सेंटेंसेस वी यूज़ SES और IES प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस मॉडिफायर। अब आपको कन्फ्यूजन होगी कि हम एस किसके साथ यूज़ करते हैं, ES और IES। एक्चुअली हम ES यूज़ करते हैं उन वर्ड्स के साथ जो कि एंड होते हैं SH पे, CH पे, O पे, X पे, Z पे और SSS पे। और IES हम यूज़ करते हैं ऐसे वर्ड्स के साथ जिनके जो Y पे एंड होते हैं और Y से पहले कॉन्सोनेंट लेटर आते हैं, यानी कि वोवल लेटर्स नहीं आते, कॉन्सोनेंट लेटर्स आते हैं। और हम लोग उनके साथ IES यूज़ करते हैं। सी द एग्जांपल, लाइक देयर इज़ अ वर्ड क्राई। क्राई में Y से पहले आर आ रहा है जो कि कॉन्सोनेंट है, तो हम इसके साथ IES यूज़ करेंगे तो हो जाएगा क्राइज। अगर प्ले है वर्ड, तो प्ले में Y से पहले A जो कि वोवल वर्ड आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली S ही पुट करेंगे, यानी कि वो प्लेज हो जाएगा। वी यूज़ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस SES विद ही शीट इनके एंड सिंगुलर्स। इनके सिंगुलर्स लाइक अली, लाइक कैट, डॉग, इनके साथ हम लोग SES और IES का इजाफा करते हैं। सी द एग्जांपल, शी गोज़ टू स्कूल, ही प्लेज क्रिकेट। प्लूरल देखिएगा, आई गो टू स्कूल डेली, आई ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। हेयर इज़ अ लिस्ट ऑफ डेली ड्यूटीज इन द अली फैमिली, फिलिंग द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स बिलो, देन चेंज दीज वर्ड्स टू द सिंपल प्रेजेंट टेंस। मिस्टर अली गोज़ टू द मार्केट अर्ली इन द मॉर्निंग। जिनके मिस्टर अली जो हैं वो मार्केट बाज़ार में जाते हैं सुबह सुबह जल्दी। ही बाइज़, बाया तो हम ऐसे लगा देंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ही बाइज़, वो ख़रीदते हैं वेजिटेबल, सब्ज़ियाँ एंड मीट फॉर द डे, इनके दिन के लिए वो सब्ज़ियाँ और गोश्त खरीदते हैं। मिसिस अली डैश ऑल द मील्स, हम यहाँ से कुक लेंगे और साथ में ऐसे लगा देंगे कुक्स, इनके वो मिसिज़ अली जो हैं वो सारा खाना बनाती हैं। हीरा एंड फाहद हेल्प मिसिज़ अली, वी कैन राइट हीरा एंड फाहद हेल्प्स विद हेल्प मिसिज़ अली टू वॉश द प्लेट्स। इनके हीरा और फाहद क्या करते हैं, वो मिसिज़ अली की मदद करते हैं प्लेट्स को धोने में। फाहद टेक है, तो हम ऐसे लगा देंगे टेक्स, सिंपल प्रेजेंट टेंस बनाने के लिए। फाहद टेक्स द डॉग्स फॉर अ वॉक, हीरा मेक्स द बेड्स एंड डस्ट्स ऑल द फर्नीचर विद अ क्लॉथ, मिसिज अली वॉशिज द क्लॉथ्स एंड हैंग्स देम आउट टू ड्राई, हीरा एंड मिसिज अली आयरन द क्लॉथ्स एवरी मॉर्निंग एंड पुट देम, पुट जो हैं वो हम प्रेजेंट में भी ऐसे ही यूज़ करेंगे, पुट देम अवे इन द कबर्ड। After breakfast, Mrs. Ali drops the clothes. Mr. Ali drops the children at drops the children's school, and Mrs. Ali brings them back in the evening. If anything breaks, Fahad and Mrs. Ali mend it easily. Read the following sentences carefully and change them into negative or interrogative. First of all, I play cricket every day. Interrogative. Interrogative में हम लोग क्या करते हैं, do और does को बाहर ले आते हैं। I है तो हम लोग do use करेंगे। Do I play cricket every day? And then question mark. My mother cooks very tasty food. Negative और interrogative. My mother हमारे पास singular है, तो it means हम लोग does not use करेंगे। Plural के लिए do not. My mother does not cook. इनकी यहाँ पे cooks था, तो हम लोग, आपको पता not के बाद हमेशा first form use करते हैं। Does not cook very tasty food. Interrogative, does my mother cook very tasty food? Question mark. He sweeps the room. Negative or interrogative.
ही हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट है. ही डज नॉट स्वीप द रूम एंड डज ही स्वीप द रूम क्वेश्चन मार्क. इट रेन्स एवरी आफ्टरनून इन द हॉट सीजन नेगेटिव और इंटरोगेटिव. इट हमारे पास जो है वो सिंगुलर है. इट मीन्स हम लोग इसके साथ डज नॉट ही यूज़ करेंगे. इट डज नॉट रेन एवरी आफ्टरनून इन द हॉट सीजन. यहाँ पर रेन्स था तो हमने रेन किया है क्योंकि हम नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं. डज इट रेन एवरी आफ्टरनून इन द हॉट सीजन एंड देन क्वेश्चन मार्क. ओके स्टूडेंट्स, मेक प्रैक्टिस एट योर होम एंड राइट टू पेजेस क्लियरली. अल्लाह हाफिज़.